बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आतिफ अलीम है। आज हम हाइपरकलीमिया को डिस्कस करेंगे। हाइपरकलीमिया दरअसल इंक्रीज पोटाशियम लेवल इन ब्लड होता है। इसके क्या काजेज़ हैं कि हाइपरकलीमिया क्यों होता है? आमतौर पर ये कोई किडनी डिसफंक्शन से, सूडो हाइपरकलीमिया से, या हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म की वजह से, इंसुलिन डेफिशेंसी की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, या कोई ड्रग्स यूज़ कर रहा है जिस तरह बीटा ब्लॉकर्स हो के, या कोई डिहाइड्रेशन है या एसिडोसिस है उसकी वजह से भी यह हाइपरकलीमिया हो सकता है। इसके अलामात में ये है कि वीकनेस फील होती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, छाती में दर्द होता है, मतली होती है या उल्टियाँ आती हैं। इसकी तशखीस किस तरह होती है? इससे हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसकी वजह से इंक्रीज पोटेशियम लेवल होता है, या हम ईसीजी करवाते हैं जिसकी वजह से टी वेव जो होती है वो पीक पर होती है, या क्यू आर एस कम्प्लेक्स वाइड होते हैं। इसकी ट्रीटमेंट जो है वो कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं ताकि दिल की रिदम को कंट्रोल किया जा सके, या फिर कोई डायूरेटिक्स देते हैं ताकि पेशाब के ज़रिए पोटाशियम को बाहर निकाला जा सके, या कोई अंडरलाइन काज है हाइपरकलीमिया की तो उसको ट्रीट किया जाता है। शुक्रिया।